पर आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसके सजेशन में दिया मयूर ने, और वीडियो का टाइटल है सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 इज लॉकडाउन 2.0 कमिंग इन इंडिया। वेल, इसके बारे में ढेर सारी बातें करेंगे वीडियो देखने के बाद, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 24 मार्च 2021, इंडिया में लगाए गए नेशन वाइड लॉकडाउन को एक साल पूरा हो गया है। हमारा देश उसी वक्त लॉकडाउन में चला गया था जब कोविड-19 के महज 525 केसेस डिटेक्ट हुए थे। इंडिया की इस स्ट्रैटजी को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। इंडिया उन कुछ बहुत कम कंट्रीज में से था जिन्होंने वायरस के स्प्रेड होने के स्टार्टिंग फेज में ही नेशन वाइड लॉकडाउन लगा दिया था। पर एक लंबे लॉकडाउन के बावजूद भी इसका कुछ खास फायदा हमें दिखा नहीं। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना वायरस से अफेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया की रैंकिंग लगातार बढ़ती गई, और इसके साइड इफेक्ट के तौर पे हमें माइग्रेंट क्राइसिस देखने को मिली जिसमें ना जाने कितने मासूम मजदूर मारे गए। ये वो वक्त था जब इंडिया और बाकी देशों के लिए लॉकडाउन, कोरोना वायरस और बाकी सब बहुत नया था, और इसी वजह से कई लेवल्स पे इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट भी सामने आया। पर तब से लेके अब तक हमने एक लंबा रास्ता चला है। कोरोना वायरस को लेके हमारी अवेयरनेस और गवर्नमेंट के पास उसको कंट्रोल करने के रिसोर्सेज आए हैं, और शायद हमें समझ में आ चुका है कि लॉकडाउन हो या नहीं पर कोरोना वायरस को कैसे हराना है। पर मैं ये शायद इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि शायद कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। फरवरी 2021 की शुरुआत में लग रहा था कि शायद चीज़ें बेहतर होने लग गई हैं, सब बैक टू नॉर्मल होने जा रहा है। सितंबर 2020 में इंडिया में कोरोना वायरस के एक दिन में 97,000 नए केसेस आ रहे थे। ये आंकड़ा 8 फरवरी तक 9,000 केसेस तक पहुंच गया था, जो कि 9 महीनों में सबसे कम था। लोग बाहर निकलने चालू हो गए थे, स्कूल कॉलेजेस फिर से खुलने लग गए थे। पर आप इसे लोगों की लापरवाही कहें या प्रशासन की गलती, 15 फरवरी से कोरोना वायरस का ग्राफ फिर से उठने लग गया, और इस बार जो ग्राफ में ग्रोथ दिख रही थी वो रिलेटिवली पिछले वाले से ज़्यादा स्टीप है। और आज हाल ये है कि अप्रैल के मंथ में कोरोना ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4 अप्रैल 2021 में इंडिया में कोरोना के कुल 103,000 नए केसेस आए, और चिंता की बात यह है कि ये नंबर इस वेव का पीक नहीं है। हर दिन डेली न्यू केसेस का आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोरोना इसी तरह स्प्रेड होता रहा तो क्या हमें लॉकडाउन वर्जन 2.0 की तरफ देखना चाहिए? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि कोरोना के साथ एक साल से भी ज़्यादा का वक्त बिताने के बाद भी आज हमें फिर से लॉकडाउन के बारे में सोचने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कहाँ कमी रह गई और क्या है फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हियर इज द लिंक, एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। इस बार जो कोरोना केसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिला है उसमें कुछ खास बातें हैं, और इसके साथ ही कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जो लॉकडाउन वर्जन 2.0 की संभावना को बढ़ाते हैं। पहला, इस बार हमारे बीच SARS-CoV-2 वायरस के म्यूटेटेड वर्जन्स भी मौजूद हैं। मार्च में इंडिया के नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल NCDC ने बताया कि पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र से लिए गए कुछ सैंपल्स में वायरस का एक डबल म्यूटेटेड वर्जन पाया गया है, जो कि वायरस का अगर डोमिनेंट वर्जन बन जाता है तो एपिडेमिक कंट्रोल के लिए मुसीबत बन सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सेकेंड वेव बच्चों को पहली वेव के मुकाबले ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट कर रही है। दूसरा, 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब स्टार्टिंग फेज में कोरोना केसेस के बढ़ने की रफ्तार में कहीं ना कहीं पाबंदी लगी थी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम नंबर्स। इंडिया में 1 मार्च 2020 तक कोविड के 3 केस डिटेक्ट हुए थे, जो नंबर अगले 14 डेज यानी 14 मार्च को 100 तक पहुंच गया। ठीक अगले 14 डेज यानी 29 मार्च को 1000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया, और उसके अगले 15 डेज में यानी कि 13 अप्रैल को कोविड ने 10,000 केसेस का मार्क क्रॉस कर लिया था। बट इसके बाद लॉकडाउन ने असर दिखाना शुरू किया। इसके अगले 13 डेज तक कोविड के बढ़ने की फ्रिक्वेंसी स्पेक्यूलेटेड 10 टाइम्स से घटकर 3 टाइम्स तक रह गई, और इसके उलट मिड में 2020 में जब सेकेंड फेज ऑफ अनलॉकिंग प्रोसेस चालू थी, इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 1 लाख से जून तक 2.5 लाख तक पहुँच गई थी। गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइंटिस्ट की कमेटी के हिसाब से लॉकडाउन के अब्सेंस में कोविड केसेस का पीक जून में ही पहुँच जाता, वो भी 1 करोड़ केसेस के साथ। बट लॉकडाउन ने कोरोना को कंट्रोल करते हुए इसके स्प्रेड की स्पीड को कम किया, और इसका पीक सितंबर में आया, वो भी सिर्फ 10 लाख केसेस के साथ। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इस बार भी लॉकडाउन इस एक्सपोनेंशियल तौर पे बढ़ते कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में कारगर साबित हो सकता है?
तीसरा रीज़न जिसकी वजह से हम लॉकडाउन के बारे में सोच रहे हैं वो हम खुद हैं। इतना लंबा वक्त कोरोना काल में निकालने के बाद भी वी आर नॉट एजुकेटेड इनफ अबाउट इट। अलग अलग सेक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना रेगुलेशन से उन्हें एग्जेम्पशंस यानी छूट मिल जाएं। फॉर एग्जांपल, कुछ वक्त पहले कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ प्रिवेंशन मेजर्स जारी किए थे जिससे भीड़ भाड़ वाली जगहों में जैसे कि थिएटर्स, जिम्स, स्कूल एक्सेट्रा में क्लोज कॉन्टैक्ट से बचा जा सकता है। पर इसके बाद सिनेमा इंडस्ट्री और लोगों ने कर्नाटका गवर्नमेंट में प्रेशर डालना चालू किया और फिर गवर्नमेंट को थिएटर्स के 100% ऑक्यूपेंसी की परमिशन देनी ही पड़ी। और जब थिएटर्स की बात सुन ली गई तब एसोसिएशन ऑफ जिम ओनर्स और बाकी सेक्टर्स भी सेम मेजर्स की डिमांड करने लग गए। और ये सिर्फ एसोसिएशंस और सेक्टर्स की बात नहीं है, इंडिया में आम जन भी मास्क ऐसे लगाते हैं जैसे वो किसी और के ऊपर एहसान कर रहे हों। पॉलिटिशियंस की रैली में भीड़ ऐसे जुट रही है मानो इस दुनिया में कोरोना सच में एक प्रोपेगेंडा है। और इन रैलीज में किसी को कोई फिक्र नहीं है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की और ना ही मास्क की। तो क्या ऐसे लापरवाही भरे माहौल में एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ही हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचा है? जब एक स्ट्रिक्ट नेशनवाइड लॉकडाउन लगता है तब वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, उसकी वजह से वायरस कंटेन हो पाएगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। पर उस लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग सेक्टर्स पर इफेक्ट होता है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। और इसलिए लॉकडाउन जितना इफेक्टिव लगता है डिस्कस करने में, उतने ही या उससे ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। और कई सारे ऐसे काउंटर पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि क्यों एक स्ट्रिक्ट नेशनवाइड लॉकडाउन इफेक्टिव ऑप्शन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे जब लॉकडाउन लगा तो इसने शुरुआती दौर में कोरोना केसेस को कंट्रोल किया। पर इसका एक काउंटर आर्गुमेंट है जो ये कहता है कि लॉकडाउन में केसेस की स्पीड कम होने का रीज़न खुद लॉकडाउन नहीं बल्कि लो टेस्टिंग कैपेसिटी थी। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल कि इंडिया में जून 2020 के एंड में हर रोज 2 लाख कोविड टेस्ट हो रहे थे जो कि सितंबर 2020 में बढ़कर 10 लाख हुए। और अगर हम लास्ट ईयर की टेस्टिंग कैपेसिटी से कंपेयर करें तो 7 अप्रैल 2021 में इंडिया में 12 लाख कोविड टेस्ट हुए जो लास्ट ईयर के पीक पीरियड से भी ज़्यादा हैं। तो इस नज़रिए से लास्ट ईयर के कोरोना केसेस की स्पीड को कंट्रोल करने का क्रेडिट पूरी तरह से लॉकडाउन को देना विल नॉट बी फेयर। फैटलिटी रेट यानी जितने लोगों को कोरोना हुआ उनमें से कितने परसेंट लोगों की डेथ हुई, अप्रैल 2020 में यानी लॉकडाउन के दौरान ये फैटलिटी रेट सबसे ज़्यादा 3.6% था जो आज के वक्त घट के 1.3% पे आ पहुँचा है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम ने लास्ट ईयर से काफ़ी कुछ सीखा है और कई सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे जिन लोगों को हॉस्पिटलाइज कराने की ज़रूरत है उन्हें बेड्स की कमी और ज़रूरी रिसोर्सेज की कमी ना महसूस हो। इन शॉर्ट, कोरोना से लड़ने के लिए अब हमारे पास बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम है, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और रिसोर्सेज हैं जो एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की पॉसिबिलिटी को कम करते हैं। इकोनॉमिकल फ्रंट पे तो आप सब ने इस बात को महसूस किया है कि लॉकडाउन कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है। फॉर इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर लॉकडाउन दूसरा सबसे बड़ा धक्का था आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। US बेस्ड प्यू रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक रिसेशन ने लास्ट ईयर 7 करोड़ 50 लाख इंडियंस को पॉवर्टी लाइन के नीचे ढकेल दिया था और इसकी वजह से ग्लोबल पॉवर्टी में 60% का इजाफा हुआ है। इस एक एपिसोड ने इंडिया के 8 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया जहां 2011 से 2019 के बीच इंडिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 30.4 करोड़ से घटकर 7.8 करोड़ तक पहुंच गई थी। एंड इट वाज स्पेकुलेटेड और 5 करोड़ लोग 2020 में पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाएंगे, बट ये स्पेकुलेशंस भयावह रूप से गलत साबित हुई। अकॉर्डिंग टू अ UK बेस्ड थिंक टैंक, इस पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से चाइना और इंडिया ने अलग अलग इकोनॉमिक आउटकम्स को फेस किया। इंडिया ने लार्जेस्ट इकोनॉमीज की रैंक में अपनी 5th पोजीशन को UK को लूज कर दिया है और इंडिया को फिर से 5th पोजीशन में आने के लिए 2024 तक का टाइम लगेगा। वहीं चाइना, जिसको प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 2033 तक US को पीछे छोड़ के वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, वो अब कोरोना से बेटर इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से 2028 में ही USA से आगे निकल जाएगा। इन अ नटशेल, इंडियन इकॉनमी 5 साल पीछे चली गई है इस लॉकडाउन और पैंडेमिक की वजह से, वहीं चाइनीज इकॉनमी रिलेटिव तौर पे 5 साल आगे। और इन दोनों टाइम पीरियड को मिला दें तो आज के वक्त इंडियन इकॉनमी और चाइनीज इकॉनमी में 10 साल का फासला आ चुका है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, हर कंट्री ने अपने हिस्ट्री के सबसे बड़े इकोनॉमिक सेटबैक को फेस किया है। न जाने कितने लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी और न जाने कितने लोगों ने सुसाइड किया इकोनॉमिक लॉसेस की वजह से। लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं, ये फैसला तो गवर्नमेंट ही लेगी, पर मैं इस कंडीशन को आपको द वायर में लिखे गए गिरिधर आर बाबू के आर्टिकल के रेफरेंस से समझाना चाहूँगा। गिरिधर जी लिखते हैं, हम किसी भी पैंडेमिक को मैनेज करने के लिए कुछ वॉर टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ फ्रेज हैं, फाइट, डिप्लॉय,
प्रिपेयर एंड लॉन्च, और अभी की कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट फ्रेज है डिप्लॉय। ये वक्त है इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने का। माना कि अभी केसेस में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न महाराष्ट्र है, और इसीलिए हमारे पास मौका है कि हम मेक श्योर करें कि इससे पहले ये केसेस बाकी स्टेट्स में भी अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ने लग जाएं, हम प्रॉपर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल वर्कर्स, मेडिकल हेल्प हर स्टेट में डिप्लॉय कर दें। और इस वॉर टर्मिनोलॉजी में जो लॉकडाउन शब्द है ना, वो एक न्यूक्लियर वेपन के जैसा है जो किसी भी गवर्नमेंट का एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ एक इंडिविजुअल की लाइफ के साथ साथ एक पूरे देश के अलग अलग सेक्टर्स को पूरी तरह से रोक देता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके क्या ख्याल हैं इस लॉकडाउन वर्जन 2.0 को लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बात करो अगर आज इस वीडियो को तो नॉट आउट पेंडेमिक जो इतना ज्यादा फैल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा बेहतियाती हम लोगों की है जो कि घर से बाहर निकलते तो मास्क पहन के हैं, लेकिन वो मास्क हमने इस तरह लगाया होता है कि हम जैसे नाक या मुंह से नहीं, हम यहाँ से सांस ले रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि मुझे हंसी आ रही है मौसम की बात में, लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोगों को वाकई में इस तरह से देखा है बाहर कि वो क्या करते हैं, यहाँ पर मास्क रखा होता है, मतलब नाक या फिर यहाँ पर रखा होता है। भाई ऐसे लगाने का तो कोई फायदा नहीं है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे भी यही लगता है कि हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर थोड़ा बहुत कंट्रोल पाया भी जा रहा था उसके बावजूद फिर हम लोगों ने बेएहतियाती इतनी ज्यादा कर दी। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात कहूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में लॉकडाउन, प्रॉपर लॉकडाउन कभी भी इसका सोल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी सेक्टर्स पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बाकी सेक्टर्स की बात करें, उसके अलावा लोगों की जिंदगियों पे और जो है एक मुल्क की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा ऐसे लोगों की कि जिन्हें अपने अंदर सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि भाई हमको ये इशू जो है ना अब होने लग पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद वो फिर भी घूमते हैं फिरते हैं हर चीज करते हैं। वो ये नहीं करते कि यार हम एहतियात कर लें, हम कुछ दिन बंद होकर रह लें, नहीं, वो बाहर निकलते हैं, अपना वायरस दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह के लोग ना, उन्हें भी एहतियात करने की बहुत जरूरत है। कुछ दिन है ना आप गुजार लें, उसके बाद जब आप सेहतमंद हो जाएंगे आप बाहर आ जाइएगा। तो इंसान जो है ना वो खुद रिस्पॉन्सिबल है इस पेंडेमिक को फैलाने के, क्योंकि जब आपको पता चल गया कि भाई है तो आप जरा सुकून का सांस लें, दूसरे लोगों को तो जीने दें। अच्छा, वैसे यहाँ से मुझे याद आ रहा है कि जब बर्ड फ्लू हुआ था और हम लोगों ने एक वीडियो भी देखी थी, तो जापान के लोगों ने तब से मास्क पहनना शुरू किया और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी डेली रूटीन का इसको एक हिस्सा बना लिया। तो मैं ये बात सोच रही हूँ जब डिफरेंट कंट्रीज के लोग जो है उनमें इतनी अवेयरनेस आ जाती है तो हम लोगों में क्यों नहीं। हम लोगों का पता नहीं क्यों, मैं आम लोगों की बातें सुनती हूँ, उनका बेसिक जो रीजन होता है मास्क ना पहनने का, हमारा दम घुटता है। लेकिन आप ये देखें कि आपकी वजह से किसी और का दम घुट सकता है। कई लोग ये कहते हैं हमें ऑक्सीजन ही पूरी मिलती है मास्क लगा के, पता नहीं कैसी कैसी बातें लोग ये करते हैं। बट मुझे ये लगता है ना मौसम ओवरऑल सिनेरियो में, मैं ऑनेस्टली मुझे तो यही लगता है कि लोग खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब इस पैंडेमिक हम कहेंगे जैसे कि 2019 की अगर हम बात करें या 2020 की बात करें, 2019 में बेसिकली एंड में ये पैंडेमिक आया और 2020 पूरा इसी तरह से गुजर गया, लेकिन लोगों में कोई मैं कहूंगी कि खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई। इनिशियली मैं ये बात समझ सकती हूँ क्योंकि ऐसा पैंडेमिक था, इसी कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई मेडिसिन नहीं थी, तो सब लोग हड़बड़ाए हुए थे कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, समझ नहीं आ रहा। तो चलो वो एक समझ में आया कि लॉकडाउन लगा दिया, स्मार्ट लॉकडाउन लग गया, लेकिन उससे कंट्रीज की इकोनॉमी कितने पीछे चली गई, कितने कितने साल, कितना लोगों के बिजनेस पे असर पड़ा, लोगों की जिंदगियों पर असर पड़ा, बट उस एक साल से कोई खास लोगों ने नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। जब दोबारा से चीजें खुली उसके बाद से लोगों का फिर से वही मुझे पता नहीं, लोगों को शायद ये लगता है कि अगर हमारी शक्ल नजर नहीं आएगी तो पता नहीं वो अगला बंदा हमें भूल जाएगा, मतलब खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मैं यहाँ पे ना एक बात कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट जो है वो हम पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, हम पे पाबंदियां लगा सकती है, यानी कि गवर्नमेंट अपनी तरह से सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना आखिर में जिम्मेदारी हम पर आती है कि हम उस रिस्ट्रिक्शन को कितने अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। यार क्या है, गवर्नमेंट ने सिर्फ आपको इतना कहा ना, जब घर से निकलो तो मास्क पहन के निकलो, घर में आके उतार दो, ठीक है ना, सब एसओपी प्रॉपर फॉलो करनी चाहिए हर जगह पर। और इवन के ना यहाँ पर मैं बोलूंगी कि कुछ लोग ऐसे मैं देखती हूँ कि हर दुकानदार ने अपने वो दुकान के दरवाजे नो मास्क नो सर्विस लगा दिया, लेकिन सिर्फ वो, हाँ,
लेकिन चले सब जाते हैं, आप लोगों को रोकें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जब ऐसे भी थोड़ी एम्बैरेसमेंट फील होगी ना, यहाँ पर हमारे लोगों को छोटी छोटी बातों पर एम्बैरेसमेंट होना शुरू हो जाती है, तो जब वो ऐसे एम्बैरेस होंगे तो मेरा ख्याल में ये चीज काफी ज्यादा कम होगी। हर इंसान को अपनी अपनी जगह पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में कितनी सारी, अगर स्पेशली अगर मैं बात करूँ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करूँ, तो रेस्टोरेंट काफी सारे बंद हो गए हैं इसी वजह से, क्योंकि कोविड में बिल्कुल भी वहां, मतलब कि ऑब्वियसली उनको इजाजत ही नहीं थी, मुझे लॉस। हाँ, मुझे लाहौर में एक आइसक्रीम मिलती है, वो बहुत ज्यादा पसंद थी, तो एक दिन मैंने बहन से कहा चले वहां पे चलते हैं, खा कर आते हैं, जो मेरी सबसे बड़ी बहन है, तो हम वहां पे गए, वहां पे जाके मैं पता चलो बंद हो गया, तो मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ कि कोविड की वजह से वो बंद हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर वही बात कहूंगा कि गवर्नमेंट जो है वो हम पर जो है पाबंदियां लगा सकती है, लेकिन हम खुद फिर रिस्पॉन्सिबल है कि हम जो है चीजों को किस तरह फॉलो करते हैं। फिर जब हम नहीं फॉलो करते, फिर गवर्नमेंट जब हमें जूते मारती है, डंडे मारती है, फिर हम बोलते हैं गवर्नमेंट जालिम है। लेकिन हकीकत है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम कितना जुल्म कर रहे हैं, कि हम खुद भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, दूसरों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। वेल, मैं भी यही मानती हूँ ओवरऑल। और चाहे, मतलब देखो, गवर्नमेंट जो है ना वो एक, मैं कहूंगी कि स्ट्रेटजी बना सकती है, वो हम लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज दे सकती है, वो रिसर्च वर्क जैसे करते हैं, उसके बाद हमारे बेहतरी के लिए चीजें लेकर आती, लेकिन उसके बाद तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल, आपका दिमाग नहीं धो सकती, वो आपने खुद धोना है। मैं सीरियसली ये बात बोलती हूँ कि अगर हम लोग इंडियन गवर्नमेंट को देखें तो उन्होंने थ्रू आउट पेंडेमिक बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है अपने लोगों को। और मैं यहाँ पर अगर लोगों को देखूँ तो बहुत एक डिफरेंट मॉडल सिनेरियो है, इवन कि अभी तक टेस्टिंग का आपको इतना ज्यादा पता नहीं है, लोगों की टेस्टिंग उस तरह से नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब वैक्सीन चाहिए तो छोड़े, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा जब क्या नाम लेते हैं लॉकडाउन इंडिया में लगा, घर से घर तक राशन आपको मिला, यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन नहीं था, वही एक जो है वो 12,000 मिला था लोगों को, वो भी किन लोगों को, जिनके नाम पे कोई मोटरसाइकिल ना हो, पासपोर्ट ना हो, घर ना हो, यानी कि काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन के साथ बेवाओं को सिर्फ मिला था, जो ज्यादातर आराम से जो मिल गया था, वरना मोस्टली लोग जो है वो इसी इंतजार में थे कि कहीं से कोई हमारी मदद कर दे। तो इस लिहाज से मुझे तो लगता है कि जो इंडियन लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इवन कि यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे भी थे जब गवर्नमेंट जो है 12,000 पे तकसीम कर रही थी कि वो लोग अहल नहीं थे, वो फिर भी उन्हें मिल रहे थे, और जो अहल थे यानी कि जो हकदार थे उन्हें मिल ही नहीं रहे थे। बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी, मौसम अहल अहल करता जा रहा, हकदार समझ में आ रहा होगा कि नहीं, बट हाँ ये चीजें भी देखने को मिली। तो एक चीज मैं कहूंगी कि सिस्टम कोई खास हमें हमेशा से यहाँ पर नजर नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूशन मौसम, लेकिन ये कि एक चीज होनी चाहिए, आपका एक सिस्टम, एक रिकॉर्ड डेटा सब कुछ आपके पास अवेलेबल होता है, उस बेस पर आपकी चीजें होनी चाहिए, आपकी टीम्स बननी चाहिए। बिल्कुल, बट एक प्रॉपर प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी मुझे तो खास नजर नहीं आई और अभी तक नजर नहीं आ रही। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो है, आप सबसे यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी बाहर जाए अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं, आप मास्क पहने, हाथों को धोएं, सैनिटाइज करें, क्योंकि ये सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो आने वाले पता नहीं कितने साल ऐसे ही गुजर जाएंगे। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम इसी टाइम पर अपना ख्याल रख लेते हैं, हम और भी बहुत सारे लोगों का ख्याल रख सकते हैं इसी वजह से, क्योंकि हम अपना ख्याल रख रहे हैं, और उसके साथ साथ ये कि जो आने वाले कुछ साल है वो हमारे लिए जल्दी बेहतर हो जाएंगे। वरना मुझे ऐसा लगता था कि 2020 जब गुजरा ना, मुझे लगा था कि 2021 हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, बट 2021 भी कोई खास अच्छा नहीं हुआ, सिर्फ हम यूज टू हो चुके हैं उस चीज के थोड़े बहुत, अदरवाइज अगर सहूलत के लिहाज से, यानी कि इन शॉर्ट जो है इंसानों ने इस बीमारी के साथ रहना सीख लिया, एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसके साथ, कि हम जो है किसी तरह इसके साथ एडजस्ट हो जाए, हमारी जिंदगी गुजर जाए। लेकिन मैं बात बताऊं, एडजस्ट तो इंसान को करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप नेचर के साथ इतना खिलवाड़ करते हो तो ऐसा होता है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि उसके साथ साथ हम लोगों को अब ये भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें सिर्फ एडजस्ट नहीं करना, हमें इसे बिल्कुल मुक्ति, और हमें जो है अपनी जिंदगी के साथ जो है नहीं खेलना, और अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगियों से भी नहीं खेलना। तो प्लीज, आप सब लोगों से हमारी यही विनती है कि अपना जरूर ख्याल रखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, और यहाँ पर भी हम लोगों को यही बात
समझाते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, हालांकि बहुत सारे लोग हमें नहीं सुनते, लेकिन उसके बावजूद हम उनको यही समझाते हैं कि हो सकता है हमारे बात करने से उनको कोई ना कोई चीज समझ में। मैं तो इवन के इतना ज्यादा नहीं जाता, लेकिन मैं शेव कराने जब जाता हूँ ना, तो वो जो लड़का शेव करता है उसका मास्क यहीं पे होता है, तो मैं ऐसा कहता भाई जब तक मैं बैठा ना तेरा नाक से ना उतरे मास्क मेरे बाद फिर पीछे तू ना पहन, मुझे कोई टेंशन नहीं। उसको बोला करो पहन, उसके बाद में पहनो, उसको समझो। वो देखें वो अब उसकी अपनी जो है वो दिमाग है, क्योंकि अकल उसके पास भी, अगर मैं उसके मुंह पे रखवा रहा हूँ तो वो अकल इस्तेमाल कर सकता है ना। अच्छा पता है यहाँ पर ये भी लोगों का प्रॉब्लम होता है, अगर उनको कोई आराम से समझाओ ना तो फिर उनको लगता है भाई इसने हमें इसकी हिम्मत कैसे भी हमें बात करने की, बट मुझे लगता है कि प्लीज समझ जाना चाहिए, बहुत ज्यादा नुकसान हम सब लोगों ने झेला है। इनडायरेक्टली मुझे कह रही नहीं नहीं आपकी बात नहीं करी, मैं ओवरऑल बात करी, मेरे जहन में बहुत सारे ऐसे लोग चल रहे हैं जिनके साथ इंटरेक्शन होता है और जो इन चीजों को नहीं मानते, तो इसलिए मैं उस लिहाज से बात करी। वेल गाइज, आपको क्या सोचना है? हमारा तो ज्यादा सोचना यही रहा है कि खुद की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है। आपका आपकी क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, और अब हमें इजाजत।